इसकी हम आपको आवाज सुना देते हैं बिल्कुल ओरिजिनल। आपको जी फर्राटे मार रहा हूँ, फर्राटे पूरा बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में। और किसान भाइयों के लिए लेके आए आज यूनिक चीज़। किसान भाइयों, जैसा कि आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर है फोर्ड 3000 1973 मॉडल। गांव में ये पहला ट्रैक्टर आया है, ठीक है जी। आज तक इन्होंने ये नहीं बेचा, क्यों नहीं बेचा इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी मेरा नाम अबू कर रहा हूँ। अच्छा, देवबंद से 6 किलोमीटर आगे। अच्छा, जबरेडा मार्ग का हमारा गांव है बनेड़ा का। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर आपने लिया था 1973 में, नया लिया था पुराना? जी नया लिया था। कितने का लिया था जी? ये तकरीबन दादा बताते थे हमारे जी, दादा लाए थे डॉक्टर साथ थे यहाँ, वो तकरीबन 42,000 करीब। 42,000 इसके साथ एक टिलर भी था, आज तक भी मौजूद है वो वहाँ खड़ा उधर। अच्छा अच्छा, 73 में लाया तो कितना टाइम होगा? 30-20-50-60 साल हो गए कम से कम। 73 मॉडल है देख लो। अच्छा, तब से अब तक चल रहा है बढ़िया? ओके बिल्कुल ओके। अच्छा, आपके पास ये महिंद्रा भी है? महिंद्रा भी है, एक और फोर्ड है 3600। एक फोर्ड 3600 है। अगर कंपैरिजन करें महिंद्रा अच्छा है तो ये फोर्ड ये बड़ा बढ़िया जो है। ताकत इसमें है वो महिंद्रा में नहीं है। अच्छा, और जो एक बार जब ट्रैक्टर लेके चल ट्रॉली लेके चला निकल जाता है खेत में से। अच्छा अच्छा, तो फिर ये नहीं रुकता, और जब रुक जाता है तो फिर दूसरे ट्रैक्टर से भी निकलता। अच्छा सर, चलिए ये तो अभी बंद हो गया। अगर बात करें महिंद्रा की, हाँ जी, अगर आप बड़े काशगार हो, 300 बीघा जमीन है, तो महिंद्रा लेना चाहिए बड़े काशगार को, फार्म टैग लेना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो मशवरा जो है, आप जब खुद नहीं चलाते जो वो लोग, तो महिंद्रा को लेना चाहिए उन्हें। हाँ। अगर जो खुद चलाते हैं ड्राइवर को भरोसे नहीं रखते हैं, खुद अपना आप खेती करते हैं, वो फोर्ड या फार्म ट्रैक लें 60। अच्छा अच्छा, वो बेहतर है। अब तो ये आने बंद हो गए। अच्छा। ये असल में जो जब रूस से कोटा आया था जी जी जी, उसी टाइम पे लिया था। आपको मैं दिखा दूं ये फर्म को, इसकी जो ट्यूब है ये ओरिजिनल। अच्छा। है सब चीजें इसकी आज तक भी। अच्छा, ये देखो फर्म को, फर्म को लिखा। हाँ, ये फर्म को ओरिजिनल है जी, बहुत बढ़िया, ये ओरिजिनल है आज तक, सब ओरिजिनलिटी है। अच्छा, कोई अगर इसे खरीदना चाहे वीडियो के माध्यम से, बेचने के नहीं? नहीं नहीं, कितने में भी नहीं बेचने के? क्या करेंगे, बड़ों की निशानी है। बड़ों की निशानी कहीं बताइए आप। सही है जी, फर्म को का है ओरिजिनल। आपने टायर भी 10 जोड़ी बदल दिए होंगे तब से? टायर तो बदले गए, टायर तो बदले गए। ये देख लो भाइयों कितना पुरानी है ये कलची। ये देखो ये कलची लिखा है ना? हाँ जी हाँ जी, ये तो गद्दी बात की है, गद्दी बात की है। हाँ, लेकिन ये सब ट्यूब पे, ये टायर है सब ओरिजिनल, ये सब ओरिजिनल है देखो, सब ये पीस है बिल्कुल। हाँ, 1973 मॉडल। ये देखो, ये देखो इंजन, ये सब बहुत बढ़िया जी, ये देख लो बेहतरीन, 3000 फोर्ड 3000, ये आप देख लो। अच्छा, अभी भी ठीक चलता है? अगर मील में गन्ना ये डालता है, सारी सप्लाई ये करता है मिल गन्ने की, वो भाई के काम में रहता है। एक तो मील का जो गन्ना तकरीबन मेरा 20-30 हजार क्विंटल जाता है बार मील में। अच्छा अच्छा, सारा गन्ना सब येड होता है? सब येड होता है। अच्छा, मील में दो ट्रॉली जाती। अच्छा, एवरेज की बात करें तो कैसा एवरेज? एवरेज तो सेम ही है 3600 का इसका। अच्छा, सेम है, उससे कम है इसका, मतलब उससे अच्छा है इसका एवरेज, ये तेल कम खाता है 3600 से। चलिए बहुत बढ़िया जी, ये देख लो भाइयों 1973 मॉडल, कहीं नहीं मिलेगा आपको ट्रैक्टर ऐसा, बहुत ही बढ़िया जी। ये देख लो, इधर देख लो आप इसे, बिल्कुल ओरिजिनल, ओरिजिनल लोग है जी, बिल्कुल ओरिजिनल आप देख सकते हैं। ये देखो, ये भी साथ के हैं मुड़गार, बहुत सी जगह मुड़गार गल जाते हैं, लेकिन ये साथ के हैं जी, ऐसे हैवी मुड़गार बने आज के टाइम में। आप रख रखाव रखते हैं ना? हाँ, छाव में रखते हैं, छाव में खड़ा है, अलग अलग गैरेज है सबके। हाँ, ये देख लो जी, गैरेज इनके अलग अलग ही है, ये गैरेज है, बहुत बढ़िया जी, ये देख लो। ठीक है, तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया 1973 मॉडल फोर्ड 3000। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।